ने देखा है वहाँ से कि वहाँ से रिलीज करने के पहले भी पाकिस्तान ने अंतिम कोशिश ये की कि किस तरह से इस मामले में चेहरा अपने सिर बांधा जाए और एक जो जिसको कैप्टिव रखा हुआ था उसके उसका एक वीडियो बनाकर तमाम चैनलों को वहाँ पे जारी किया गया तकरीबन 8:50 पर। और जैसे ही वीडियो जारी किया गया तमाम चैनलों ने उसको बिना रुके रिपीट करके जिसको हम लूप में डालकर चलाना कहते हैं वो डालकर मैं सुन रहा था कुछ एक्सपर्ट को जब बहुत देरी हुई तो उनके स्तर आशंकाएं बनने लगी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्या आपको आपको भी ऐसा लगा कि शायद कुछ आखिरी वक्त में बदल सकता है? नहीं देखिए, एक बार जब डिसीजन हो गया, एक बार जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में अपनी संसद के भीतर कह दिया और आपने देखा होगा रवीश की जब संसद के भीतर ये बात कही गई तो वहाँ के किसी भी विपक्ष की पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, ये एक काबिले गौर बात है। और वहाँ पे अगर आप वहाँ के टीवी चैनलों को भी लगातार देख रहे हों तो वहाँ पे विरोध करने की आवाज़ तो वहाँ पर है, लेकिन जो मैक्सिमम वहाँ पे आवाज़ें हैं वो इस बात के साथ खड़ी नज़र आई कि हाँ हमें रिहा कर देना चाहिए। बेशक इसके पीछे मकसद ये हो कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना चेहरा बचाने का मौका मिलेगा या चेहरा चमकाने का मौका मिलेगा या जो कुछ भी उनका कैलकुलेशन हो, तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इमरान खान के इस फैसले के साथ नजर आई। तो जब इस तरह का फैसला ले लिया गया तो उसके बाद किसी और वजह से रोके जाने का कोई मतलब नहीं नज़र आता था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वहाँ पे एक जो वहाँ के एक नागरिक जो है वो कोर्ट में चले गए थे, उन्होंने याचिका दायर कर दी थी और आपको पता है कि अगर भारत में भी कोई कोर्ट में चला जाता है तो उसके बाद जो है उसकी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। तो जो मेरी जानकारी है वो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, उसने निरस्त कर दिया, खारिज कर दी उस याचिका को और उसके बाद जो है वो रिहा किया गया है। लेकिन वो एक कारण है। दूसरा कारण जिले का ये भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से वीडियो बनाया गया, वीडियो में एडिट किया गया, तो हो सकता है कई उसके टेक हुए हों, रीटेक हुए हों, उनको जो एयरफोर्स की वर्दी है उसमें दिखाया गया है। उसके बाद अब जो रिहा होकर आए हैं उसमें वो खाकी पैंट, सफ़ेद कमीज और डीप ब्लू कलर का जो कोट है या ब्लैक कोट है वो पहन के जो कोट पहन कर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन सब बातों में भी काफ़ी टाइम लगा वहाँ के पत्रकारों के जो की तरफ से जो जानकारी आ रही है। अब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि काफिले की जो गाड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ निकल रही हैं जिसमें वायुसेना की गाड़ियाँ हैं, तो एक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद जो काफिले का जो बंदोबस्त है, क्योंकि वहाँ पर एयर वाइस मार्शल के होने की भी बात कही जा रही थी, तो हो सकता है कि वो हों वहाँ पे, लेकिन काफिला तो जाते हुए एक तरह से दिख रहा है। अब ये ब्रीफिंग का भी समय आ रहा है तो हम उमा बाकी मौके से आ रही तस्वीरों पर सारा कुछ छोड़ते हैं। मार्शल कपूर मीडिया को संबोधित करने वाले स्टेटमेंट वी विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस। विंग कमांडर अभिनंदन हैज जस्ट बीन हैंडेड ओवर टू अस As per standard operating procedure of the Indian Air Force, he will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IAF is happy to have Abhinandan back. Thank you. Sir, what was the delay about? What was the delay about? आप एयर वाइस मार्शल कपूर ने बताया कि सिर्फ 3 पंक्तियों के बयान उन्होंने पढ़े और कहा कि कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। वो बहुत खुश हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन को उनके हवाले कर दिया गया है और वायुसेना की एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके तहत उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और क्योंकि उन्होंने वो एक जहाज़ से इजेक्ट हुए थे, कूदे थे
और उससे उनके शरीर पे कई तरह के दबाव पड़े होंगे, चोटें आई होंगी, कि अभी वहाँ के डीसी साहब कुछ बोलने वाले हैं। The documents were completed and thereafter he was handed over to the airport authorities and the airport authorities have taken him. Hello, sir.